वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पुलिस हो, पटवार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो कोरोना वायरस से संबंधित 50 सर्वश्रेष्ठ पर्सन जो है करंट अफेयर्स के, वो अपने डिस्कस करेंगे और ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। यानी वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कोरोना वायरस से, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम का पार्ट जरूर बनेंगे, उन पर अपने डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। इसी के साथ बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि करंट अफेयर्स के लिए वीकली और मंथली पीडीएफ्स का पूरा आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप चाहिए, तो इसके लिए आप अफेयर क्लाउड्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। तो चलिए अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना है कि हाल ही में फुल बॉडी कीटाणु शोधन कक्ष को किसने डिजाइन किया है। यानी फुल बॉडी कीटाणु शोधन कक्ष जो है वो COVID-19 के चलते डिजाइन किया गया है और इसको डिजाइन जो किया है वो DRDO ने किया है। किसने डिजाइन किया इसको? DRDO ने। अब जो DRDO है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO को जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस COVID-19 के टेस्ट का क्या नाम है? यानी जो कोरोना वायरस का टेस्ट है उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है RT-PCR। RT-PCR जो नाम है वो कोरोना वायरस टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च की है नागरिकों के लिए, ये किए राजस्थान की पुलिस ने। यानी राजस्थान पुलिस ने ये लॉन्च की है। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है। यहाँ के CM की अगर बात की जाए तो वो अशोक गहलोत है। और यहाँ पर अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर जो है वो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के गवर्नर है। CM है अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, और राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना कवच ऐप जो है वो भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने घोषणा की है कि COVID-19 से पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? यानी ये जो अनाउंसमेंट किया है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो मंदी में प्रवेश कर चुका है, ये किसने किया है? ये किया है IMF। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये घोषणा किया है कि पूरा विश्व जो है वो मंदी में प्रवेश कर चुका है। और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जियो इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए IMF की, तो Washington DC USA के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? यानी ब्रेक द चेन, एक जो चेन बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए जो अभियान है ब्रेक द चेन, ये केरला ने स्टार्ट किया है। तो ये इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में WHO के साथ मिलकर COVID-19 के बारे में जागरूकता कौन फैलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा और WHO मिलकर COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। और जो WHO है उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है WHO का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके अभी जो हेड है वो है टेड्रोस एडहनॉम। और इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की वो 1948 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WHO से संबंधित, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि उसका हेडक्वार्टर क्या हो सकता है, उसके हेड कौन है, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अभी हेड है वो है टेड्रोस एडहनॉम। नेक्स्ट देखिए, COVID-19 के कारण संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य, यानी संपूर्ण कर्फ्यू जो लगाया है हाल ही में वो किस राज्य ने लगाया है? तो वो लगाया पंजाब ने। पंजाब की राजधानी की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर अभी
सीएम जो है पंजाब के वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है सीएम है। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है चंडीगढ़। और संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। और इसी के साथ अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो वो है बीपी सिंह है बंदोरे। बीपी सिंह बंदोरे यहाँ के गवर्नर है। देखिए कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और कर्फ्यू लगाने वाला, संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। राजस्थान का अभी अपनों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 संप्रित हॉस्पिटल खोला है? हॉस्पिटल जो खोला है वो मुंबई में खोला है। 100 बेडों का एक हॉस्पिटल जो रिलायंस ने कोविड-19 के लिए खोला है तो वो कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन शामिल होगा? यानी फीफा जो है वो एक जागरूकता अभियान चला रहा है पूरे विश्व भर में, तो अलग अलग जगहों से जो कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे तो उनमें से एक हो गए अपने इंडिया के, और वो होंगे फुटबॉलर सुनील छेत्री। और अगर फीफा के बारे में बात की जाए तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसकी जो स्थापना हुई थी फीफा की, वो हुई थी 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें अपने तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये जो राहत पैकेज दिया गया है ये 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो है वो राहत पैकेज दिया गया है। और ये जो दिया गया है पैकेज, ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते अभियान जो है वो भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो ये जो अनावरण किया है ये नागालैंड राज्य ने किया है। और नागालैंड राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? कोहिमा। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल की घोषणा की है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा था? तो वो था इंदौर। इंदौर। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट इसहाक किसने लॉन्च किया? तो ये जो प्रोजेक्ट इसाक है ये छात्रों के लिए लॉन्च किया है, ये किया है आईआईटी गांधीनगर ने। आईआईटी गांधीनगर ने। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य है गोवा। और गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी। और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जो बीजेपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 से संक्रमित लोगों को जरूरी सेवाएं देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं? तो ये जो मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। यानी जो लोग पब्लिक के अंदर जाते आते हैं तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन लगा दिया है, तो वहाँ से आते जाते भी अपने हैंडवाश कर सकते हैं। और जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल है अमरावती और हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? यानी बाहर जाने के लिए अब जो ई पास जारी किया जाता है उसके लिए जो प्रज्ञाम ऐप है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो किया है झारखंड ने। और झारखंड के 11वें सीएम जो है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के 11वें सीएम है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किसने विकसित किया? तो जो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप है ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक एक ऐप हाल ही में विकसित किया है। हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना किसने शुरू किया है? तो ये जो किया है ये किया है डीआरडीओ ने। अभी अपनों ने डीआरडीओ के बारे में देखा था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मोदी किचन की जो शुरुआत है वो तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट देखिए, आईसीआईसीआई लोमार्ड और किसने मिलकर कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये जो बीमा है ये आईसीआईसीआई लोमार्ड और भारत पे ने स्टार्ट किया है मिलके, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि इसका प्रीमियम क्या था, ये कितना कवर देती है, कितने उम्र तक के लोगों के लिए है, तो वो सारी डिटेल भी आपको आपको देंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 199 रुपये, इस स्कीम के तहत जो प्रीमियम है 199 रुपये का प्रीमियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और जो बीमा कवर है वो 25,000 रुपये है, और जो आयु यहाँ पे निर्धारित की गई है वो 18 साल से 65 साल तक की आयु के बीच में करवा सकते हैं, और जो बीमा का कवर है वो 25,000 रुपये, और आईसीआईसीआई लोमार्ड और भारत पे ने मिलके ये बीमा स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है वो चलाया है? तो ये जो चलाया है ये चलाया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये चलाया है कि जो लोग संक्रमित है और उनके लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला। शिमला और देहरादून जो है यहाँ की राजधानी है। विंटर कैपिटल जो है यहाँ की वो है, सॉरी, धर्मशाला। धर्मशाला जो है वो यहाँ की विंटर कैपिटल है। यहाँ की अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कोरोना वॉच मोबाइल ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है, और कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बेंगलोर। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? बज्जूभाई वाला। बज्जूभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो बी एस येडियुरप्पा। बी एस येडियुरप्पा बीजेपी से रिलेटेड है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन रुपए देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को दिया जाएगा ये। और अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो वाशिंगटन डीसी है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो ये जो कोरोना केयर बीमा पॉलिसी है ये हाल ही में लॉन्च की है फोनपे ने। फोनपे ने, और फोनपे और किसके साथ ये समझौता हुआ है? बजाज आलियाज जर्नल। बजाज आलियाज जर्नल और फोनपे के साथ ये समझौता हुआ है। यहाँ पे जो प्रीमियम की राशि है वो रहेगी आपकी 156 रुपये। 156 रुपये का प्रीमियम होगा। 50,000 रुपये का कवर यहाँ पे दिया जाएगा आपको, 50,000 का कवर। और यहाँ पे जो आयु है वो 55 साल से कम के लोगों के लिए, यानी 55 साल से जो कम के लोग हैं वो इस बीमा पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? तो ये जो विकसित किया है ये डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कोविड-19 से के लिए सव्य मूल्यांकन उपकरण किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये जो सव्य मूल्यांकन उपकरण है ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की अगर कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई, और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, कैपिटल यहाँ की मुंबई है। किस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $10 मिलियन की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये नेटफ्लिक्स कंपनी ने की है, नेटफ्लिक्स कंपनी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 एमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? तो ये जो शुरू किया है ये किया है SBI ने, यानी भारतीय स्टेट बैंक, और ये किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि पहले किस
किस नाम से जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसे बना अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, अभी अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर बात की जाए इसके चेयरमैन की एसबीआई के, तो वो है रजनीश कुमार, रजनीश कुमार इनके चेयरमैन है। तो नेक्स्ट देखिए, COVID-19 के कारण किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये बिहार सरकार ने की है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, बिहार की कैपिटल पटना। गवर्नर के यहाँ की बात की जाए जो है पंगु चौहान, पंगु चौहान यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर सीएम की बात की जाए नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, बिहार की पटना और महाराष्ट्र की मुंबई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस के कारण किसने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की है ये की है एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में COVID-19 पुनर्वास और राहत कोष की स्थापना किसने की है? तो ये स्थापना जो की है सीआईआई ने की है। किस शहर के नगर निगम ने COVID-19 ऐप विकसित किया है? तो ये जो ऐप विकसित किया है ये क्या है, नागपुर ने, नागपुर के नगर निगम ने COVID-19 ऐप विकसित किया है। और जो जयपुर है वहां के एसएमएस हॉस्पिटल में सबसे पहले रोबोट का इस्तेमाल COVID-19 से जो संक्रमित लोग हैं उनकी देखभाल के लिए किया गया था। और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? यानी रेपो रेट जो है वो अभी आरबीआई ने कोरोना वायरस के कारण घटाकर कितना कर दिया है? तो 4.4%। इसी के साथ आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो दर है, देखिए ये रेपो दर है जो 4.4% की है, रिवर्स रेपो दर जो है वो इन्होंने 4% की है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स रेपो दर कितनी है, 4%। अगर यहां पे बात की जाए एमएसएफ की, एमएसएफ जो भी है वो 4.65%, ये आपका एमएसएफ है। बैंक दर की बात की जाए वो भी 4.65% है। इसके अलावा अगर सीआरआर की बात की जाए जिसे बैंकों में नकदी बढ़ी है, तो सीआरआर जो है वो घटाकर कितनी कर दी है, अभी 3%, जिससे बैंकों में बहुत सारा पैसा जो है वो आ चुका है। यानी आरबीआई के पास जो पैसा जमा होता है वो बैंकों के पास आ गया क्योंकि सीआरआर जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट देखिए, क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए नए मिटने वाली स्याही के उपयोग की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो ये जो घोषणा की है ये निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसने इसको मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की इलेक्शन कमीशन के, तो वो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए यहाँ के अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो वो है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। हेडक्वार्टर जो है इलेक्शन कमीशन का दिल्ली में है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली COVID-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली है? तो ये जो मंजूरी दी है ये CDSCO ने, यानी CDSCO ने इसके लिए मंजूरी दी है। अब जो ये CDSCO है इसका फुल फॉर्म क्या है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका रहेगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कोरोना वायरस को जो महामारी के रूप में घोषित किया है देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका हरियाणा,
हरियाणा राज्य ने यहाँ पे जो है वो इंडिया के अंदर पहली बार महामारी घोषित किया था, क्योंकि इससे पहले जो है वो WHO ने तो पूरे वर्ल्ड में किया था महामारी घोषित, पर अगर भारत की बात की जाए और स्टेट की बात की जाए तो वो होगा हरियाणा। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो अभी गवर्नर है राज्यपाल उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के जो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो है दुष्यंत चौटाला। और पंजाब की बात की जाए राजधानी इसकी भी चंडीगढ़ है, यहाँ के CM जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राजस्थान की बात की जाए राजधानी जो यहाँ की है जयपुर, CM अशोक गहलोत। और महाराष्ट्र की बात की जाए राजधानी मुंबई। नेक्स्ट देखिए, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अब कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ, वो रहेगी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो निर्मला सीतारमण जी ने लॉकडाउन के दौरान मेगा आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था, तो उसके अंदर उन्होंने 1.7 लाख करोड़ रुपये का जो आह्वान दिया था, तो उससे संबंधित कुछ डाटा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस योजना को ही क्या नाम दिया गया था, वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस योजना को नाम दिया गया था। और जो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि जो कोरोना से निपटने के लिए यानी जो कोरोना वॉरियर्स है उनको कितने रुपए का बीमा यहाँ पे दिया जाएगा, तो 3 महीने तक अगर इनको बीमा देना हुआ तो वो 50 लाख रुपए का बीमा इनको मिलेगा, बीमा कवर इनको 50 लाख रुपए का मिलेगा। इसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी और जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को ये बीमा मिलेगा। और इसके अलावा इन्होंने जो महिला उज्ज्वला योजना थी उसके तहत 8.3 करोड़ जो अभी तक सिलेंडर देश में बंट चुके हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त कर दिया। इसके अलावा जो भी वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं और दिव्यांगजन थे उनको 3 महीने तक 1-1 हजार रुपए की एक्स्ट्रा जो है वो किस्त दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी महिला जनधन खाते धारक है उनको अगले 3 महीने तक 500 रुपये जो है पर महीने दिए जाएगा। और इसी के साथ जो मनरेगा था वो पहले 182 रुपये प्रतिदिन था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 202 रुपये, 202 रुपये प्रतिदिन इसको बढ़ा दिया है। और जो किसानों की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किस्त थी वो 2,000 रुपये अप्रैल के फर्स्ट वीक में जमा करवा दी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए अलग से इंपॉर्टेंट थे जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी, और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, चाहे बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, आपका कोई भी पटवार का हो, कोई भी कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, कमेंट्स करने हैं आपके जो भी डाउट है या जो भी सजेशन है। इसके अलावा लाइक करना है वीडियो को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आगे आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो है उनके लिए। और डेली बेस पे अपना वीडियो जो है एक सुबह आपको हर दिन के करंट अफेयर्स मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लगभग 90% करंट अफेयर्स यहीं से कवर होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।